हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांव। और ये जस्ट गांव पहुंचने का वीडियो है। जो मोक्ष खेल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं। और ये मोक्ष की ड्रेस मीशो से है, जो मैंने 3 का पेयर मंगाया था। रेट तो अभी याद नहीं है, बट आप चेक कर लीजिएगा। और अभी जस्ट हम लोग, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। उस दिन शाम को तो पहुँचे ही थे, तो कुछ साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो अभी मम्मी और मेरी मौसी दोनों पूरे घर की साफ़ सफाई लगे हुए हैं, लिपाई पुताई में। और अभी जस्ट मोक्ष खेल रहा है यहाँ पे। मम्मी ने इतना ज़्यादा काजल लगा दिया कि यहाँ ना गांव में ना मक्खियाँ बहुत रहती हैं, तो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। इसीलिए मम्मी ने इसको ना थोड़ा सा क्रीम और काजल लगा दिया है, ताकि इसके फेस पे ना बिल्कुल मक्खी ना आए। क्योंकि ये फीट वगैरह करता है ना, तो मक्खियाँ आती ही हैं बच्चों के पास। और ये मोनी है, मोनी तो बिल्कुल याद नहीं कर रही है कि वो कहाँ है, गाँव में है या रीवा में है। और हमारे यहाँ ना पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ बोर नहीं है, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ कुआँ है जिसमें अभी पानी नहीं है। तो अभी मैं मोक्ष को खिला रही हूँ ऑरेंज। वैसे तो मोक्ष अभी सिर्फ 2 मंथ का है, मुझे नहीं खिलाना चाहिए था, बट मोनी खा रही थी ना, तो देख देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टेस्ट करा दिया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको बस थोड़ा ही खिलाया था, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बच्चों को ना अभी 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए बाहर, मतलब बाहर का, सिर्फ माँ का दूध चाहिए रहता है उनको। लेकिन मोक्ष थोड़ा परेशान करता है, इसलिए मैंने उसको खिला दिया है। और यहाँ पे ना मोनी खड़ी हुई थी, तो बोल रही थी मम्मा बाबू को खिला दो। मोनी कोई भी चीज़ खाती है तो वो ज़रूर बोलेगी कि मोक्ष को भी खिला दें। लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं खिलाते हैं, जब तक वो 3 महीने का पूरा नहीं हो जाएगा। अभी तो मैं उसको ऊपर का भी दूध नहीं पिलाती हूँ। और अभी ये शाम का टाइम है, मम्मी मेरी मौसी और मेरी दादी हैं, वो चावल बिन रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च को दादी की बरखी है ना, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और मोक्ष बाबू अभी ऑरेंज खा चुके हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। इसको गांव में अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव में ना पेड़ पौधे हैं देखने के लिए। तो अभी ना मम्मी लोग फिर से पानी भरने गए थे, और यहाँ गांव में भी ब्रेड वाला आता है सुबह सुबह, तो मुन्नी को हम लोगों ने ब्रेड दिलाया, तो वो पूरे घर में घूम रही है, बोल रही है चाय बनाओ। तो हम लोग हाथ से ही पूरा पानी लाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, मैं आ गई हूँ मेरे गांव दादी के घर। और अभी जस्ट सुबह हुई है, देखो कितना अच्छा व्यू है। गांव की मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये 2 गाय हैं, 2 बच्चे हैं गाय के। और जस्ट अभी सुबह हुई है, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बट ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन ही अच्छा लग रहा है। अभी मुन्नी के शूज नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ उसको शूज दे देती हूँ। इसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। और ना हम लोगों के यहाँ सारी सुविधाएं हैं, मतलब बाथरूम, लेटरिन, घर बहुत बड़ा है, बट पानी की फैसिलिटी नहीं है, मतलब बोर नहीं है। और यहाँ नल तो आता नहीं है, जब सप्लाई वाला नल आता है तो मम्मी और मेरी मौसी और पापा पूरे घर में पानी भरेंगे। और अभी हम लोग किसी और के यहाँ से ड्रम लाएंगे, ड्रम वगैरह यहाँ नहीं है, क्योंकि दादी के जाने के बाद ना सारी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। तो इसीलिए, वैसे तो मैं आई हुई हूँ 26 को, आ गई थी शाम को,
लेकिन यहाँ घर इतना खराब था क्योंकि बब्बा अकेले रहते हैं, तो कोई भी साफ सफाई नहीं थी। मतलब जहाँ बब्बा रहते हैं वहाँ थी सफाई, बट बाकी पूरे घर में नहीं थी। बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था घर, तो हम लोग वही साफ सफाई में लगे हुए थे। अभी आज पूरा घर क्लीन हो गया है। गांव है तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो सामान रहेगा ही, क्योंकि ये शहर नहीं है। बाकी साफ हो गया है पूरा घर, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी मेरा घर कैसा है। अभी के लिए बाय बाय। ये मेरे घर का ना पीछे का एरिया है, ये देखो कैसे गांव में पीछे ऐसे ही रहता है। सामने थोड़ा साफ है, बट इधर हम लोग आए हैं तो साफ किए हैं, बट पहले तो बहुत ज़्यादा पत्ते थे क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा है ना। देखो दिखाती हूँ, मेरे यहाँ पपीते हैं, मेरे यहाँ हर चीज़ का पेड़ है। कितने सारे पपीते लगे हुए हैं, पत्ते तो दिख ही नहीं रहे, पपीते पपीते ही दिख रहे हैं। ऐसे पेड़ बहुत सारे थे, बट अभी ना वो पेड़ गिर गए हैं बहुत ज़्यादा पपीते होने की वजह से। यही चार पांच पेड़ बचे हुए हैं। और ये अमरूद का पेड़, इस पे कल लगे हुए थे दो अमरूद जो मैंने तोड़ के खा लिए हैं। पेड़ नींबू का भी पेड़ है। ये छोटी मोटी मेरी बब्बा ने सब्जी उगाई हुई है। बोला ना कि मेरे यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से सभी पेड़ मुड़े। और आज ही बब्बा ने पानी डाला हुआ है इस पे, तो अभी सुबह थोड़ा हरे भरे दिखेंगे, फिर दोपहर तक सब मुरझा जाएंगे। ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये बैर का पेड़ है। इस पे ना बहुत ज़्यादा बैर लगी हुई है, आपको दिखाती हूँ। नहीं दिख पा रहा है शायद, बट बहुत ज़्यादा इसमें बैर लगी हुई है। ऊपर आ गया, हो गया तुम उधर चले जाओ, नहीं तो कहूँ काट ना ले। और पीछे पीछे साइड दिखाओ, दिखाओ कितना कीड़ा लगा है। कीड़ा ना हो, हुआ मोक्ष मोक्ष मनी। हाय करो, हाथ से करो, मॉक से भी करेगा हाय। मॉक्स ले कथो को याद है भूखा ले रे। हम उठे ड्राम ड्राम गाई।